नमस्ते भारत, चिराग पटेल बी किसान के तरफ से। आज हम चल रहे हैं बांबू। कई मित्र है जो मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, साइंटिस्ट पद पे है, बांस का काम कर रहे हैं और इनके साथ मुलाकात करवाता हूँ आपकी। हम अभी जिस खेत में आए हैं जी, ये देखिए, ये लैंड जो है पूरी, यहाँ पे वाटर जो है ये सलाइन वाटर है। ये आप देखेंगे क्षार जो है वो जमा पड़ा हुआ है इसके अंदर में। ये सलाइन जो है मतलब खारा पानी। यहाँ पे TDS जो है वो 4000 से लेकर 4500 TDS के आसपास में पानी है, उसके अंदर में भी बांस लगा हुआ है। और ये बांस तकरीबन 1 साल 8 महीने के आसपास का है। आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, दोनों तरीके से आपको सारी चीज़ दिखाएंगे जी। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते जी, हमारे मित्र और दर्शकों को थोड़ा आपका परिचय दीजिए, क्योंकि आपके बारे में गौतम भाई ने काफ़ी टाइम पहले हमें बताया था और हमने कई बार हमारे वीडियोस के अंदर में आपका जिक्र किया है कि कई साइंटिस्ट मित्र भी है जो हमारे साथ में बांबू के रिलेटेड काम कर रहे हैं, और वो काम है जो आगे जाकर फ्यूचर में जब हमारे पास प्रेजेंटली कुछ मॉडल होगा तब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि आज हम वो सारी चीज़ समझाए जो आपने 13 से 15 साल तक ये सारी मेहनत की, और ये मेहनत का क्या फल है। हम आज कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक रेटे सांगली महाराष्ट्र से हूँ। अभी हम जो खड़े हैं एक कौलापुर विलेज है, जहाँ पे जो ज़मीन मिट्टी जो है वो बहुत ख़राब है। ये मिट्टी क्यों ख़राब हो गई कि पानी का जो TDS है वो अभी समर में 4000 तक जाता है और बारिश के मौसम में 2800 का TDS रहता है। यानी कि 2800 का TDS से 4000 TDS तक का पानी है, इसलिए ये ज़मीन अभी ख़राब हो गई, यानी कि सलाइनेटेड हो गए। और इस सलाइनेटेड में हमने पहले बार डेट 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2020 को एक JBB बांबू का प्लांटेशन लगा था। इसका R&D हमने खुद किया है, ये ओरिजिनल सीड का बना हुआ है जी, ये कोई टिश्यू कल्चर नहीं है। बराबर, इसमें जो ग्रीनरी और जो लीव्स आप देख रहे हैं इसका जी, जो सलाइनेटेड में कम से कम आधा फीट के ऊपर हो गया। बराबर है। और जो हाइट देख रहे हैं सर जी, 22 फुट के ऊपर हो गए। अभी आपको अंदर में इंटरनोड दिखाता हूँ, जो इंटरनोड और जो सॉलिड बेस है वो भी दिखाता हूँ। और इसमें कुछ बांबू में अभी इथेनॉल भी रेडी हो गए हैं, जो गडकरी साहब बोलते हैं कि बांस से इथेनॉल बनता है, बांस से CNG बनता है जी। तो कहाँ इथेनॉल है मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ, आइए जी। जी, ये चीज़ें होती है जिसके लिए टाइम देना पड़ता है, और बगैर टाइम के कुछ भी नहीं होता है। बी किसान इस तरीके से अलग अलग अनुभव से गुजर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो हम तुरंत आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जब चीज़ें बन जाने के बाद शेयर की जाती है। ये देखिए सर, ये पूरा यस जी सलाइन है, लेकिन अंदर आप बांबू से अभी क्या हो गया है, ये सॉइल फर्टाइल हो गया। बराबर है, यस जी जी, ये सॉइल जो है अभी फर्टाइल हो गया। ये पूरा नमक का था सर ऊपर, इसमें कोई भी नहीं आता था। बराबर, 8 साल पहले इसमें ग्रेप्स था, वो भी फार्मर ने निकाल के फेंका, क्योंकि ग्रेप्स एक भी ग्रेप्स नहीं लगते थे। बराबर, वो क्यों नहीं लगते थे, क्योंकि ग्रेप्स का झाड़ आता था जी, लूज भी आते थे, लेकिन लूज कुछ समय में वो पूरा जलकर खाक होते थे, जीरो हो जाता था। बराबर, इस खराब पानी की TDS की वजह से जमीन भी खराब हो गई, इसलिए हमने क्या किया कि सॉलिड मैच्योर बांबू हमने लगाया है। ये बांबू का जो आपने बताया, ये क्या आपने नाम दिया हुआ है? JBB, ये जंगली बांबूसा बलकुआ है। आप बलकुआ, जंगली बांबूसा बलकुआ, हाँ ओरिजिनल जी, हाँ बांबूसा जो फैमिली है उसमें जंगली जो वेराइटी जो जंगलों में, फॉरेन के जंगलों में, इंडिया के जंगलों में मिलते हैं ना, उससे जो सीड्स आता है वो सीड से बनी हुई है, सीड से बनी हुई वेराइटी। इसलिए आप इस खराब जमीन में भी एक ग्रीनरी दिखी सर जी, ये पूरा ग्रीनरी दिखी है। यस आइए जी जी, और ये नोड भी देख लीजिए जी, इंटरनोड 1 फीट के अबव हो गया अभी। बराबर है, और इसमें अभी इथेनॉल रेडी है सर, इसमें ओके, अभी इसमें लिक्विड है, लिक्विड रेडी है, लिक्विड रेडी है। बराबर है, 1.5 साल होने के बाद ये नीचे से भर के ऊपर आता है फिर। बराबर ऐसा यस, तो अभी निकाले तो इसमें इथेनॉल मिलता है,
जी फार्मर को पैसा नहीं मिलता, कंपनी को पैसा, क्योंकि वो वजन नहीं उतना बैठता उसके लिए। जब एक साल के बाद और एक भरेगा जी तो इसका वेट रेडी हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि 3,500 रुपये पर टन परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगा कर इससे साथ जो ये लूज और ये ब्रांचेस आते हैं जी उसको भी हम खरीद कर लेते हैं फार्मर से। बराबर है। ऐसा है कि एक झाड़ के पीछे बाम्बू के इस बाम्बू के फार्मर को 100 किलो का वजन प्राप्त होता है। ओके। एक एकड़ में 518 लगते हैं जी, 518 एक एकड़ में लगते हैं, तो 50 टन इसको कहीं भी किसी भी तरह की मिट्टी होनी चाहिए वो 50 टन देगा ही देगा। सिर्फ आपके पास जमीन और मिट्टी अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, मिट्टी और आप पानी जो है वो कंटिन्यूस देते रहिए। पानी इस सॉइल में अभी नीचे दिखिए तो ये ब्लैक है जी, मैं अगर हफ्ते में एक बार भी दिया तो चलेगा। बराबर है। बाकी के सॉइल में पानी जो लगता है वो कम से कम हफ्ते में 2 बार देना पड़ेगा। ओके। पर प्लांट 5 लीटर पर डे। बराबर। वीकली टू टाइम्स। ओके। ये अभी जो अपन ने लगाया हुआ है ये कितने बाय कितने का अंतर रख के लगाया हुआ है? एकदम लगाया सर, इसका टारगेट जो था जी ये जमीन अच्छा करने के लगाया है। ओके। फार्मर का जो है ना, हाँ, 25 लाख 30 लाख रुपए एकड़ चल रहा है यहाँ पर रेट जी, क्योंकि रोड टच है। बराबर। आपने जो गाड़ी लगाई वहाँ पे रोड टच जमीन है। बराबर है। क्या हुआ है, तलाटी ने इसको शार्पण दिया तो इसका 10 लाख भी नहीं आ रहा था। ओके ओके। इन्होंने क्या किया कि इस बाम्बू से जी मिट्टी अच्छी होती है। हाँ। और सलाइन पूरा चला जाता है 3 साल में, इसलिए फिर वापस अच्छा जमीन करके बागायत करने के बाद फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। ओके। इसलिए उन्होंने 50,000 रुपये खर्चे किया है। क्यों कर किया है कि जमीन, क्योंकि हर एक का पर्पज अलग अलग ही रहता है। बराबर। अभी इसलिए इन्होंने नजदीक लगाया हुआ है। एक्चुअली जो साइज है 12x7 फीट भी लगाने का है। 12x7। हाँ बराबर, हम 12x6 13x7 या 13x6 13x7 कहते हैं, तो 12x7 के अंदर में आप लगाते हैं जी। बराबर। 118 प्लांट्स बैठते हैं जी। जी आप ये देखिए, और सभी सभी इसमें डिसीजेस आते हैं जी। ये जो देख रहे हैं डिसीजेस है। ओके। ट्रिप्स माइट्स है। बराबर। कहाँ पे ये मावा के चला गया जो शुगर कैन के ऊपर आता है। जी जी जी। अभी इसमें भी देखिए। हाँ, डॉट्स जो है ये जो है ना जी जी, ये अंदर का लिक्विड है इसलिए आते खींचने के। ओके। ये नहीं है सूट। हाँ, ये नहीं है सूट। अभी परसों एक बारिश गिरा था। हाँ। एक बारिश के ऊपर इतना, एक ये हफ्ते में इतना आ गया थे। बराबर है। ये 3-4 सूट तो अभी जो है वो नया निकला हुआ है। ये क्या है? हाँ, 5 सूट 6 सूट हो गया सर। बराबर है। और इसका इंटरनोड देख लीजिए। बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स यस आर ग्रेटर। इधर भी देखिए जी, ये देखिए यहाँ नीचे से ऊपर तक देखिए सर। जी जी जी। नोड जो है यस पावरफुल नोड है। बराबर। और सॉलिड और मैसिव है जी। मतलब आपने यहाँ पर 12x6 पे लगाना चाहते थे, लेकिन वो जमीन सुधारने के लिए आपने डेंस उसको कर दिया है, क्या वो जमीन सुधारने के लिए प्रॉब्लम है जी, वो निकल जाए। और देखिए सर, पंछी का आवाज़ गूंज रहा है अभी, इतने पंछी, एक भी पंछी नहीं थे, नेचुरल जंगल हो गया अभी जी। आए नीचे आप लूज देखिए। बराबर है। यही अभी फर्टाइल होता है। यस यस, पूरा जंगल हो गया। जो हमारी थीम है ऑक्सीजन पार्क की, ये यहाँ पर जो है 100% हम आपको दिखा सकते हैं कि यही ऑक्सीजन पार्क है। आपके पास में 1 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा भी करिए आपके खुद के पैसों के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में पशु पक्षी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो जाती है, और जमीन सुधारती है वो बात अलग है। यस यस यस, ये रहे सूट्स, ये नया सूट। शायद मैं उस जगह पर जहाँ से आपको नहीं दिखा पा रहा था, ये देखिए, ये मेरी हाइट का जो है वो सूट हो गया है ये पूरा। एक्चुअल में हाँ यस, आता हूँ उस तरफ आता हूँ मैं। यस जी, नीचे से ऊपर तक ले जाए कितना फीट है? बराबर 22 फीट का हाइट है सर। ये 18 महीने के अंदर में 22 फीट का हाइट जो है वो ले लिया इसने जी। ये सूट्स हो गए। यस, ये देखिए, ये ऊपर तक पूरा ढक चुका है, पूरा छांव हो चुका है, एकदम मस्त। यस, ये ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, और आज आप देख सकते हैं इसको कटिंग भी मेरे ख्याल से किया लगता है साइड से थोड़ा। हाँ, अंदर आने के लिए। अच्छा, बराबर है। हाँ, थोड़ा आना जाना हो सके उसके लिए। इधर क्या है? अच्छा, ये ड्रिप ऊपर ही डाल दिया था। हाँ? ऊपर ही डाल दिया था ड्रिप। हाँ, ड्रिप ऊपर ही।
बराबर। कैनोपी देखिए 12 फीट क्यों जी, कैनोपी अपना बड़ा जाता है। ओके, ये साइड ब्रांचेस है, ये साइड ब्रांचेस आपको दिखा रहे हैं, ये साइड ब्रांचेस भी ये देखिए ये जा रही है 12 फीट के आसपास, 12 फीट के आसपास में जो है वो साइड ब्रांच हो गई है जी। यस, टू लाइंस 12 फीट तक जी। एक्चुअली में बिल्कुआ जो है वो फास्टेस्ट ग्रोथ वाला है, सबसे फास्ट ग्रोथ में। कई लोग कहते थे कि हमें बिल्कुआ ही लगाना है लेकिन हमें चाहिए सीड वाला, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पर हम दे पाएंगे। यस, 18 महीने के ये हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं ये साइज, ये हाइट भी आपको पता चलेगा। दीपक जी अगर खड़े हैं तो उनसे कम से कम 3 गुना 4 गुना अपन कह सकते हैं, हाथ खड़ा करने के बाद भी। ये देखिए ये चीज भरा हुआ है कि अंदर से सॉलिड जी जी। ओके, पूरा हमने कट किया है। यस, और ये आप देखिए ये अंदर से भरा हुआ, 90% भरा हुआ है। जी 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 जी, ये तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे नीचे से जो है पिकअप करता जाता है। हाँ। और पूरा हो जाता है। क्या डलता है? गोल्ड डलता है, गोल्ड, सुपर गोल्ड। ये देखा, ये अपन ने कितने गुंठे में किया हुआ है? 7 गुंठा बोले तो अगर 192 पौधे, ओनली 192 पौधे लगाए हुए थे। एक्चुअल ये मत समझिएगा कि 192 पौधे ही क्यों लगाए, क्योंकि सीड जो है बलकुआ का सीड चाहिए, तो वो इतना इजी नहीं है कि बलकुआ का सीड तुरंत मिल जाए। अभी कुछ कुछ एनवायरमेंट प्रेमी है जिन्होंने ये खोजबीन निकाली हुई है, जिसमें से दीपक भाई है, और ये उनकी 1-2 साल की नहीं, पिछली एग्रीकल्चर के रिलेटेड 12-13 साल की तपस्या है, जिसका फल आज आप हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ को समझना, सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और हाइट भी देख लीजिए जी, इलेक्ट्रिसिटी का खंभा 25 फुट का रहता है वो। यस, ये इलेक्ट्रिसिटी का खंभा है और इसके सामने ये हाइट देख लीजिए, उससे भी ये ऊपर हो गया है जी। यस, इधर देखिए वो टॉप पे। यस बिल्कुल, ये क्रॉस किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाइट विथ जो फुटाव है उसका और जो बायोमास ये कलेक्ट करके देता है, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है कि बलकुआ जितना और बायोमास कोई दूसरी वैरायटी देते होगी। अभी यदि बलकुआ का सीड क्वांटिटी में चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा सर। पेशेंस रखना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि अपन ने पैसे डाल दिए और हो गया। एक्चुअली बांबूसा का ओरिजिनल है, जंगली बांबूसा का। जी जी, बलकुआ टिश्यू कल्चर नहीं, टिश्यू कल्चर नहीं, अपन सीड की ही बात करते हैं जो सीड से ही बनता है। जी जी जी, देंगे आपको सीड वाला बांबू भी देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, और उसका भी काम शुरू हो गया है। प्रैक्टिकल वे में आपके सामने खेत मॉडल भी तैयार हो चुका है। ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम सबको आगे ले जानी होगी। जिसको एनवायरनमेंट के अंदर में इंटरेस्ट है, जिसको सांस लेने में इंटरेस्ट है, ये कोई एक पर्सन का काम नहीं है, ना तो कोई ये एक जनरेशन के लिए है, ये सबके लिए आज कोरोना ने दिखाया हुआ है। हम सबको यहीज करना पड़ेगा, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या और इजी हो सके, क्या हम टीम वर्क करके साथ में काम कर सके, ये सबको समझना पड़ेगा, और इसी से हम फिर से वही भारत माता को हरी भरी और ठंडी शांत महसूस करवा सकते हैं। कंक्रीट जंगल जो है वो शायद आपके और मेरे लिए कुछ सालों तक काम आएंगे, लेकिन ये ग्रीन जंगल जो है वो सृष्टि को, आने वाली नेक्स्ट पीढ़ियों को अपनी जितनी भी ज़रूरत है वो यहाँ से ही पूरी हो सकती है। ये शायद कुदरत भी हमारे साथ में यही मैसेजेस पास आउट कर रहे हैं,
बढ़ते डीजल पेट्रोल के भाव, कोयला जो है वो खदान में कम हो रहा है, ये सारी चीज़ अगर इसका सबका एक ही जवाब ढूंढे तो वो जवाब आएगा बांस, बांबू, ग्रीनरी, कुछ भी करो सब तभी मुमकिन होगा जब ये सब आपके साथ रहेंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।